साथियों नमस्कार। संबल दंगे को एक सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है। उस दंगे में 6 मुस्लिम युवक मारे गए थे, जिसके बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगे थे। सिर्फ पुलिस पर नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी आरोप लगे कि वह पहले स्थिति से ठीक से निपट नहीं पाई और उसके बाद एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अभी भी वहां के हाल ठीक नहीं है, स्थिति लगातार संवेदनशील बनी हुई है। तमाम लोग अपने घरों से ताला बंद करके नदारद है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जुडिशियल कमेटी बनाई थी 3 सदस्यीय, वह मौके पर पहुंची है तो लोगों से मुलाकात भी की है। कमेटी जामा मस्जिद भी गई है, वहां पर लोगों से बात की, मौलानाओं से बात की है वहां के। अब इस कमेटी को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। आपको बताऊं कि इस कमेटी में जस्टिस डीके अरोड़ा, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट, पूर्व प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस के जैन शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जांच कर रही है, ये सारे के सारे अधिकारी निकाय। विपक्ष की मांग है कि सिटिंग जजेज से इस मामले की जांच कराना चाहिए और मुझे भी लगता है कि यह जरूरी है। आपको बता दें कि विपक्ष के सदस्य, खासतौर से समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय दल जाना चाहता था संभल, लेकिन उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। अब सवाल खड़ा होता है कि कोई भी मामला, ये संभल का मामला इतना संवेदनशील है तो निसंदेह जांच की शुचिता भी उतनी ही जरूरी है। यह जरूरी है कि जो जांच कर रहे हैं बेहद ईमानदारी के साथ हर पहलू को जांचे परखे। ये काम कौन कर पाएगा? ये काम वही लोग कर पाएंगे जिनका अपना कार्यकाल बेहद अनुकरणीय रहा है, बेहद साफ सुथरा रहा है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो संभल दंगों को लेकर के जांच कमेटी बनाई, उसमें कौन से लोग शामिल हैं और वह लोग कौन हैं? आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जब 2020 में कोविड फैला, उस वक्त उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी अमित मोहन प्रसाद को दे दी गई। वो प्रमुख सचिव बना दिए। उसके बाद लगातार पीपी किट की खरीदी हुई, दवाओं की लोगों ने कहा, अखबारों ने छापा वहां के यूपी के, खूब पैसा ले लेके छापा कि ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जब ब्रिजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री बने, जो अभी उप मुख्यमंत्री है, तो तमाम पर्दे खुलना शुरू हो गई। स्वास्थ्य विभाग, आपको कहेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। वह अमित मोहन प्रसाद जो संभल दंगों की जांच कर रहे हैं, उनके कार्यकाल की जांच लोकायुक्त को सौंपनी पड़ी। लोकायुक्त उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं। सिर्फ लोकायुक्त नहीं, मैं आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्य सचिव को लिखा गया वह पत्र दिखा रहा हूं, जिसमें प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद के जांच की बात कही गई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय का पत्र। वह व्यक्ति संभल की जांच कर रहा है जिसके कार्यकाल में उस पर आरोप लगा कि उसने मृतकों का भी ट्रांसफर कर दिया, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उनका भी ट्रांसफर कर दिया, एक एक व्यक्ति का दो दो बार ट्रांसफर कर दिया। आपको उत्तर प्रदेश के ट्रांसफर घोटाले का पता होगा, जिसमें ब्रिजेश पाठक की एक चिट्ठी जो है वो वायरल हुई थी तेजी के साथ, कि उत्तर प्रदेश में
किस तरह से ट्रांसफर प्रमोशन का घोरक धंधा चल रहा है, इन्हीं अभी पूर्ण प्रसाद पर सवाल खड़ा हुआ था। अमित मोहन प्रसाद को जब उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी दी गई तो उन पर यह भी आरोप लगा कि वह लगातार सब स्टैंडर्ड दवाओं की खरीदी करवा रहे हैं, यानी कि जो मानक की दवाएं हैं, जिन दवाओं की क्वालिटी अच्छी होती है उनको न खरीद करके कम क्वालिटी की दवाएं खरीद रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं, जिसको कहा गया था कि कोविड में मसीहे की तरह काम किया जिसने, उस व्यक्ति ने रद्दी क्वालिटी की पीपीई किट खरीद ली जिसका कोई उपयोग नहीं। वह अमित मोहन प्रसाद जो ब्रजेश पाठक ने जिनको बुलाकर साफ तौर पे कहा था कि अब आप अपने यहां कोई भी ट्रांसफर प्रमोशन करेंगे तो आप हमसे पूछ कर करेंगे, जिसके लिए ब्रजेश पाठक को प्रधानमंत्री कार्यालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि इनको हटाइए और उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूरी में 3 सदस्यीय आईएसओ की एक कमेटी बनानी पड़ी जांच के लिए। वह अमित मोहन प्रसाद योगी आदित्यनाथ के प्रिय संभल के तत्वों की जांच, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ को जो लीड कर रहे हैं डीके अरोड़ा, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। लेकिन ठहरिए, अब देश में ऐसा नहीं होता है कि जजों का रिटायरमेंट बस खत्म हो गई सारी कहानी। रिटायरमेंट के बाद भी तमाम अवसर मिलते हैं। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट अपीलेट अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया गया मिस्टर डीके अरोड़ा, उत्तर प्रदेश सरकार के लासे लाभ के पद पर है डीके अरोड़ा जो संभल की जांच कर रहे हैं। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह ईमानदारी के साथ जांच होगी? आप उम्मीद कर सकते हैं क्या? अगर रिटायर्ड जज होते, किसी प्रकार से ओबलाइज नहीं होते उत्तर प्रदेश सरकार से, तो निसंदेह करते। जब साहब बहुत चर्चा में आए थे, एक बार एक व्यक्ति ने, वहां के वकील ने उनको व्हाट्सएप पे जान से मारने की धमकी दे दी थी डीके अरोड़ा जी को, तब से मैं जानता हूं। अगर वह वीडियो देखेंगे तो उनको याद आएगा कि हाँ, घटना घटी थी जिसमें वकील ही गिरफ्तार हुआ था। अब जो तीसरा नाम आता है संभल दंगों के जांच में, वो मिस्टर ए के जैन का आता है। ये 2 महीने के लिए डीजीपी बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन हुआ क्या कि फिर इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया 3 महीना, तो 5-6 महीना रहे डीजीपी। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ के सरकार की और इनकाउंटर्स की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ये कोई भी इनकाउंटर हो जाए, क्यों आप अभी सर्च करेंगे आप इनको गूगल पे, तो आप देखेंगे कि इनके बयान कैसे कैसे रहे हैं। फिलहाल एक बयान सुनाता हूं इनको कि ये किस तरह से इनकाउंटर की, यूपी पुलिस जो इनकाउंटर करती है उसकी तरफदारी करते हैं। जो पुलिस विभाग में 37 साल काम किया है कि इस प्रकार की घटनाओं में पुलिस बल का साथ दें, शासन का साथ दें, ऐसे कुख्यात अपराधियों का दमन जरूरी है। अन्यथा जो हमारी अमन पसंद जनता है, हम जो निवेश की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, उससे बहुत दूर रह जाएंगे। उससे हमारा कोई यहाँ पे निवेश करना नहीं चाहेगा। ये इंडस्ट्री पुलिस अधिकारी इनकाउंटर की तरफदारी करता है, वो संभल में जिस तरह से युवकों की मौत हुई, क्या उसमें सही न्याय कर पाएगा? आपको लगता है? कुल मिलाकर के यह साफ दिख रहा है अभी तक। दरअसल हमारी मीडिया इस बात की तहकीकात करना पसंद नहीं करती, चाहती भी नहीं कि योगी आदित्यनाथ के सरकार की हर कदम को बकायदे चश्मा लगा करके उसको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत है। ये जो कमेटी बनाई गई, जांच कमेटी, पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, उसके एजेंडे के पक्ष में, पुलिस के एजेंडे के पक्ष में अपनी रिपोर्ट देगी।
फिलहाल मुझे लगता है कि जिन अधिकारियों पर किसी किस्म का आरोप लगा है, ऐसा कि अमित मोहन प्रसाद पे लगा है, उनको खुद ही इस जांच से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए और साथ में ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस नियमों के विरुद्ध, भारतीय संविधान के विरुद्ध एनकाउंटर में विश्वास रखता हो, उसको भी जांच करने का अधिकार नहीं है। साथ में ऐसा कोई जज जो सरकार से किसी लाभ के पद पर कार्यरत हो, उसको भी जांच करने का अधिकार नहीं है। फिर मिलते हैं, फिर बात होगी। जरूरी है कि संभल के दंगों की एकदम सही रिपोर्टिंग हो, सही जांच हो और सही तथ्य सामने आए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।